हियर इज द क्वेश्चन, 9 मोल्स ऑफ डी एंड 14 मोल्स ऑफ ई आर अलाउड टू रिएक्ट इन अ क्लोज्ड वेसल अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी फॉर्म्ड इन द एंड ऑफ रिएक्शन इफ 4 मोल्स ऑफ जी आर प्रेजेंट इन अ रिएक्शन वेसल. ओके, तो हमें क्या दिया है, हमें 9 मोल तो डी दिया है और 14 मोल क्या दिया है, ई दिया है. इससे क्या फॉर्म हो रहा है, पहले तो सी फॉर्म होगा और ए फॉर्म होगा. फिर स्टेप नंबर सेकंड में जो भी यहां पर सी फॉर्म होगा वो यहां पर रिएक्शन में पार्ट करेगा और उसे क्या फॉर्म होगा, आपका बी फॉर्म होगा. लेकिन जो सेकंड स्टेप रिएक्शन है, यहां पर जी के कितने मोल से, यहां पर 4 मोल से. कितने मोल से, 4 मोल से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर सी के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. तो चलिए सी के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं. तो रिएक्शन में ये कह रहा है, रिएक्शन में देखिए सी जो भी फॉर्म होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर दो रिएक्टेंट गिवन है और दोनों के मोल्स अगर मास या फिर वॉल्यूम अगर गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे. लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा. तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपके पास रिएक्टेंट का अमाउंट है उसे क्या करो, उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो. रिएक्टेंट का अमाउंट डी का कितना है, 9 मोल, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 3, तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी. ई का रिएक्टेंट है जो भी, उसके मोल्स कितने हैं, 14, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 4 है. इसे सॉल्व करो कितना आएगा, 3.5 आएगा. अब इन दोनों में से जो भी वैल्यू स्मॉलर है वो कौन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, इट मींस आपका डी क्या है, एलआर है. ओके, अगर डी आपका लिमिटिंग रिएजेंट है तो अब डी के ऊपर डिपेंड करेगा, डी की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि आपका सी कितना फॉर्म होगा. देखिए 3 मोल डी से सी कितना फॉर्म हो रहा है, 5 मोल फॉर्म हो रहा है. तो 9 मोल से कितना फॉर्म होना चाहिए था, 9 × 5 / 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मोल. कितना हो जाएंगे, 15 मोल्स. लेकिन कब ये 15 मोल्स तब फॉर्म होंगे जब रिएक्शन की यील्ड कितनी होती, 100% होती. रिएक्शन की यील्ड एक्चुअल में कितनी है, रिएक्शन की यील्ड एक्चुअल में 80%. तो जो भी आपके पास सी के मोल्स फॉर्म हुए हैं उसका 80% कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 मोल. कितना हो जाएगा, 12 मोल्स. इट मींस आपके पास फर्स्ट स्टेप में कितने मोल्स ऑफ सी फॉर्म हो रहे हैं, तो 12 मोल्स ऑफ सी फॉर्म हो रहे हैं. अब जो भी अमाउंट फॉर्म हुआ है वो क्या करेगा, सेकेंड रिएक्शन में पार्ट करेगा. तो सेकेंड रिएक्शन में आपके पास सी के मोल्स हो गए 12 और जी के मोल्स कितने हो गए, 4. लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लीजिए, तो ऑब्वियसली बात है जी क्या होगा, इस बार आपका एलआर होगा. तो जो भी आपका बी फॉर्म होने वाला है उसकी जो भी क्वांटिटी फॉर्म होने वाली है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जी की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी. तो देखिए 5 मोल ऑफ जी से बी कितना फॉर्म हो रहा है, 6 मोल फॉर्म हो रहा है. तो 4 मोल से कितना फॉर्म होना चाहिए था, ये 4 × 6 / कितना फॉर्म होना चाहिए था, यहां पर नीचे सॉल्व कर लेते हैं, 4 × 6 / 5, तो ये कितना आ जाएगा, 4.8 मोल आ जाएगा. इतना मोल्स फॉर्म होना चाहिए था कब, जब रिएक्शन की यील्ड कितनी होती, 100% होती. लेकिन रिएक्शन की यील्ड एक्चुअल में कितनी है, 50%. तो इस 4.8 का अगर 50% आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2.4 मोल्स आपके पास आंसर आएगा. इट मींस इस कंप्लीट दोनों स्टेप रिएक्शन में जो भी बी का अमाउंट फॉर्म होने वाला है वो कितना और फॉर्म होने वाला है, 2.4 मोल फॉर्म होने वाला है. तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन.